हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ और आपका स्वागत है मेरे चैनल एक्वा एडवेंचर पे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक्वेरियम प्लांट्स का प्रोपेगेशन घर पे कैसे करवा सकते हैं, या अगर कहा जाए तो आप छोटे स्तर पे का फार्मिंग कैसे कर सकते हैं एक्वेटिक प्लांट्स का। तो पहले हम ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स लेंगे और इनमें कोई भी ड्रेनेज का छेद नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल पानी को बाहर नहीं जाने देना, इसमें रोक कर रखना है। सॉइल के लिए मैं 2 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट और 1 पार्ट सैंड एक साथ मिला रहा हूँ। अब इन कंटेनर्स को हम सॉइल से भरेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि सॉइल बिल्कुल अच्छी तरह टॉप तक भरी हुई हो। इसे अच्छी तरह से हम प्रेस करके और बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। अब हम सॉइल में पानी देकर इसे अच्छी तरह सैचुरेट कर देंगे और इनमें जितने भी एयर बबल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो अब हम प्लांट लगाना शुरू करते हैं और मैं पहले ये डॉर्फ हेयर ग्रास लगाने जा रहा हूँ। और ये एक बहुत अच्छा ही कारपेट प्लांट है और बिल्कुल लोटेक टैंक्स में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो हमारा नेक्स्ट प्लांट है स्टायरोगानी कारिलियन। ये प्लांट केरला से है और ये ट्रू स्टायरोगानी नहीं है, बट इसका जो ग्रोथ का वो पैटर्न है वो बिल्कुल स्टायरोगानी की तरह है। हम जो भी प्लांट सैंपल यूज़ करें, अगर वो इमर्स ग्रोथ किया हुआ है तो आपको इसे किसी तरह से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप सबमर्ज प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर ऐसे क्लियर कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस कंटेनर को अगर हम उलट कर इसके ऊपर रख देते हैं तो ये बिल्कुल अंदर 100% ह्यूमिडिटी बना कर रखेगा। आप इस क्लियर कंटेनर के जगह पे एक प्लास्टिक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बैग के अंदर हम अपने पॉट कंटेनर को डालकर थोड़ी हवा ब्लो करके उसमें हवा को ट्रैप कर लेंगे और अच्छी तरह उसे सील कर लेंगे। तो अब हम इन तैयार पॉट्स को किसी शेडेड एरिया में रख देंगे। आप इसे रूम में भी रख सकते हैं या फिर कहीं इनडायरेक्ट सनलाइट में। तो मैं आपको प्लांट प्रोपेगेशन के लिए एक नए मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें हम प्लांट्स के लीव से नए प्लांट्स को बढ़ाते हैं। तो इसमें बहुत दिनों से काम कर रहा था और अभी मैंने बकोपा कैरोलिनियाना के लीव्स को बिल्कुल सेम पॉट तैयार करके उसमें डाल दिया है और हमें इसे 100% ह्यूमिडिटी देनी होगी। तो हम इसे प्लास्टिक बैग के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से सील करके शेडेड एरिया में ही रख देंगे। अब हम हर 2 दिन के बाद इन प्लास्टिक बैग्स को खोलकर इसमें कुछ वाटर स्प्रे करेंगे और थोड़ा हवा अपने मुंह से फूंक मारकर इसके अंदर भर देंगे ताकि ये गैस एक्सचेंज जो होता है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो हमें ये सेम प्रोसेस तब तक दोहराना है जब तक हमें प्लांट्स में कोई न्यू ग्रोथ ना दिखाई देने लगे। 2 से 3 वीक्स के बाद हम अपने प्लांट से कवर हटा देंगे और इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में या शेडेड एरिया में रख देंगे। तो अब 3 महीनों के बाद हम अपनी मेहनत का रिजल्ट देखते हैं ये कैसा हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे प्लांट्स बहुत लश और ग्रीन हो चुके हैं, बहुत घने हो चुके हैं और अगर हम इन्हें टाइम टू टाइम प्रून और ट्रिम करते रहें तो ये और भी घने हो जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ट्रिमिंग ना करें तो ये रूट्स के पास से मेल्ट होने लगेंगे और वो प्लांट्स आगे की ओर फिर ग्रोथ करना बंद कर देंगे। तो अब हमारा दूसरा प्लांट डॉफ हेयर ग्रास और ये बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हुआ है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। तो अब हम एक टेस्ट करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हेयर ग्रास अपने नाम को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं।
जी हाँ बिल्कुल, इसने अपनी नाम की लाज रख ली और ये बिल्कुल पास होता है। तो मैंने कुछ और भी प्लांट्स को उस समय प्लांट किया था और आप देख सकते हैं ये हाइड्रोकोटाइल है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। इसकी एक और वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और एक और प्लांट है, ये HM है, इसे मैंने लगाया नहीं था बट ये कहीं से आ गया है मुझे पता नहीं, बट ये बहुत अच्छी तरह से फैल गया है। और ये दोनों ही प्लांट्स बहुत अच्छे फोरलॉन प्लांट्स हैं जो लोटेक टैंक में बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। एक और इजी फोर ग्राउंड प्लांट है मार्सेलिया हासुटा, ये एक टाइप का फर्न है और ये भी टैंक्स में बहुत सुंदर दिखता है, बिल्कुल थिक डार्क ग्रीन लिप्स होती हैं इसकी। तो इसे मैंने उस समय लगाया था, ये भी अच्छी तरह ग्रो हो रहा है। हमारा अगला प्लांट एक रोजेट प्लांट है, क्रिप्टोकोरिन एंडुलाटा, और ये एक बहुत ही लोटेक टैंक में होने वाला प्लांट है और ये बहुत ही रॉबस्ट होता है और बहुत टिकता है। आप इसे ओनली सैंड सबस्ट्रेट वाले टैंक में भी लगा सकते हैं। तो टाइम है अपने एक्सपेरिमेंट को देखने की, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। आप जैसा कि देख रहे हैं कि बस एक ही लीफ है जो ग्रीन दिख रही है, बाकी सारे मेल्ट हो गई हैं और एक लीफ शायद सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, बट एक है जो बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रो है। और मैंने गलती से खींचने में इसकी रूट तोड़ दी, बट इसमें आप छोटे छोटे लीव्स देख सकते हैं न्यू ग्रोथ के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेथड काम करती है, पर सभी प्लांट्स में करती है या नहीं करती है मैं बता नहीं सकता, बट कुछ प्लांट्स हैं जिन मैंने ट्राई किया था और वे सक्सेस मिले थे, उसमें एक ये बकोपा है। इसके अलावा आप हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस स्टायरोगाइनी रेपेंस और रोटाला में भी ट्राई कर सकते हैं इस मेथड को, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अभी हम इस प्लांट को इसी पॉट में छोड़ देंगे जब तक कि स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम ना बना ले, उसके बाद हम इसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे इससे बहुत हौसला मिलता है और मैं आपके लिए आगे ऐसे ऐसे वीडियो और बनाता रहूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।